हेलो बच्चों, आज हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना सीखेंगे। यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में कैसे हम सिग्मा बॉन्डों की संख्या और पाई बॉन्डों की संख्या देखते ही बता देंगे या सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन दिया गया है वह अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। जब हमको पता चल जाएगा कि वह अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो हम छोटा सा ट्रिक आपको बताते हैं और आप देखते ही उसको बता देंगे कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर अल्केन होगा तब क्या होगा। तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि अल्केन आप कैसे जानेंगे। अल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अगर इस फार्मूले पे कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई कंपाउंड है, तो उसमें सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या आप कैसे निकालेंगे। देखिए फार्मूला क्या होगा कि कोई भी अगर दिया है तो सिग्मा बॉन्डों की संख्या, सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या जब निकालेंगे आप, तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उसका क्या करेंगे, माइनस वन कर देंगे। यानी कितने उसमें कार्बन है और कितना उसमें हाइड्रोजन है, उसको टोटल संख्या से ए को क्या करेंगे, घटा देंगे। और जो रिजल्ट आएगा वही होगा सिग्मा बॉन्ड्स, वही होगा क्या, सिग्मा बॉन्ड्स। यानी ये पता चल जाएगा कि इतने सिग्मा बॉन्ड्स उसमें होंगे। क्योंकि अल्केन है तो अल्केन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, जितने सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सब क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे अगर हमसे पूछ दिया जाता है कि CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड्स है, तो फार्मूला हमारा क्या कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितना कार्बन है, एक है, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना हाइड्रोजन है, चार है, कितना माइनस करना है, वन है, इक्वल टू जो भी रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड्स होगा। तो चार एक पाँच और माइनस एक करेंगे तो चार, यानी चार क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड्स। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हमको दे देता है कि C2H6 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो बता दिए जैसे फार्मूला था, कार्बन कितना हुआ, दो, हाइड्रोजन कितना हुआ, छः, माइनस कितना किया, वन, आया कितना, छः, दो, आठ, माइनस एक, सात, यानी सात सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। आप देखते हैं इसको बता देंगे। केवल आपको ये जज करना है कि दिया गया हाइड्रोकार्बन अल्केन है कि नहीं। अगर अल्केन है तो सिर्फ कार्बन की संख्या को हाइड्रोजन की संख्या को जोड़िए, माइनस वन कीजिए, तुरंत तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स है। दूसरा देखते हैं, यदि मान लीजिए दिया गया हाइड्रोकार्बन अल्कीन हो, तो अल्कीन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, क्या होता है, CnH2n। यानी इस फार्मूले को जो फॉलो करेगा वो क्या होगा, अल्कीन होगा। और अल्कीन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड भी होगा, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना, तो देखते हैं इसको। इसका फार्मूला होगा कि अल्कीन का जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि कार्बन को जोड़ लेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे और माइनस क्या करेंगे, वन करेंगे। जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और उसके बगल में ही एक पाई क्या करेंगे, अपने से लिख देंगे। दैट इज ए फार्मूला, ठीक ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जब देखते हैं तो जैसे निकालते हैं इसका, तो C2H4, इसका अल्कीन का आएगा C2H4। यह दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड होंगे, तो फार्मूला क्या कह रहा है हमारा, कार्बन कितना है, दो, हाइड्रोजन कितना है, फोर, और इसको क्या करेंगे, माइनस वन। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या है, चार, दो, छः, माइनस एक, यानी पाँच यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड्स। अब बगल में एक पाई हम क्या करेंगे, लिख देंगे। जब भी आप इसको देखेंगे तो इसके लिए पेन और कॉपी आपको लगाना नहीं पड़ेगा,
उठाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप देखेंगे और तुरंत तुरंत आप रिजल्ट क्या करेंगे बता देंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल जब और देखते हैं तो मान लीजिए लिखा गया है C3S6 यानी फॉलो कर रहा है CnH2n को, तीन दोनों के छः यानी अल्कीन है। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, तीन, हाइड्रोजन कितना है छः, माइनस कितना करेंगे वन, छः तीन नौ माइनस एक कितना है आठ, ये हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा वन। अब बगल में क्या करेंगे एक पाई अपने से लिख देंगे तो अल्कीन का रिजल्ट हमको क्या होगा पता चल जाएगा। आइए देखते हैं कि यदि अल्काइन रहेगा तब क्या किया जाएगा। अल्काइन अगर होगा तो अल्काइन का जो फार्मूला होता है वो होता है CN, उसके बाद होता है H2N और माइनस टू, ठीक ना। तो जब ये पता कर लेंगे कि अल्काइन है तो उसमें भी जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन को जोड़ लेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे, माइनस एक करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो सिग्मा बॉन्ड्स और टू पाई क्या करेंगे लिख देंगे, टू पाई अपने से क्या करेंगे लिख देंगे। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं C2H2, कितना कार्बन है दो, कितना हाइड्रोजन है दो, माइनस क्या करेंगे वन, रिजल्ट कितना आएगा तीन, ते तीन सिग्मा हो गया और टू पाई अपने हिसाब से क्या करेंगे लिख देंगे, दैट इज ए फार्मूला, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं C3H4, ये भी अल्काइन है, फॉलो कीजिए, तीन दुना के छः माइनस दो चार, अल्काइन है तो क्या करेंगे हम, तीन लिखेंगे चार लिखेंगे माइनस वन करेंगे, चार तीन सात माइनस कितना आएगा सिक्स, तो सिक्स सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएगा और दो अपने मन से क्या करेंगे लिख देंगे। आइए इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि जो अब तक हम पढ़ते आए हैं वो इस पर बैठता है कि नहीं बैठता है, ठीक ना। आइए देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे देता है कि CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या ज्ञात कीजिए, CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या ज्ञात की। हम पहले करते क्या थे, पहले हम CH4 का स्ट्रक्चर बनाते थे, तो जब CH4 का स्ट्रक्चर बनाते थे तो ऐसे बनता था और हमें पहले से बताया गया था कि जो बॉन्ड होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंगल बॉन्ड्स, क्या होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या करते हैं एक डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। और सिंगल बॉन्ड्स क्या होता है सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड्स क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। दूसरा क्या होता है डबल बॉन्ड्स होता है, तो जो डबल बॉन्ड्स होता है वो क्या होता है डबल लाइन से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। आइए जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तीसरा जो होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें क्या होता है एक सिग्मा होता है दो पाई होता है, ठीक ना। तो आइए चेक करते हैं कि जो ट्रिक हमने आपको बताया वो थ्योरेटिकल है कि नहीं है, हमको CH4 में निकालना है कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो ये बता रहा है कि जितने सिंगल बॉन्ड्स होंगे सब क्या होंगे सिग्मा बॉन्ड। कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4, यानी इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है 4। और हमने आपको बताया क्या था ट्रिक, अगर अल्केन होगा तो कार्बन को जोड़ेंगे हाइड्रोजन को जोड़ेंगे माइनस वन करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड। जोड़िए यहाँ पे कार्बन कितना था 1, हाइड्रोजन कितना था 4, माइनस कितना किया 1, तो 4 एक 1 कितना हुआ 5, 5 माइनस 1 = 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज ए सेम रिजल्ट, क्या है सेम रिजल्ट, अल्केन का हमने निकाल लिया। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक ना, कि C2H4 में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स निकालिए, तो हमने फार्मूला तो आपको बता दिया, ट्रिक बता दिया गया है, तो इसको चेक करते हैं। तो जब चेक करेंगे तो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। रिजल्ट हमको बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो यह सिग्मा होगा यह सिग्मा होगा यह सिग्मा होगा यह सिग्मा, 1 2 3 4 और एक इसमें होगा कितना होगा 5 सिग्मा बॉन्ड, और एक यहाँ पे क्या होगा पाई बॉन्ड्स होगा, क्या होगा पाई बॉन्ड्स, यहाँ क्या हुआ एक पाई टोटल आया। हम ट्रिक आपको बताएं, ट्रिक से निकाल लेते हैं
टू करेंगे, फोर करेंगे, माइनस वन करेंगे, इक्वल टू कितना आया, फाइव सिग्मा और एक पाई अपने मन से लिख देंगे, रिजल्ट दैट विल बी सेम। रिजल्ट क्या आया, सेम आया, ठीक ना। तो दो को हम लोगों ने क्या किया, थ्योरेटिकल स्तर पे देख लिया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, अल्काइन है। जब अल्काइन तीसरा देखते हैं तो जैसे एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि C2H2 में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे CC और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो सिग्मा बॉन्ड्स जब निकालेंगे तो एक दो और तीन, तीन सिग्मा आ जाएगा और दो क्या आ जाएगा, पाई, जैसा कि वहाँ पे आपको बताया गया। और रिजल्ट ट्रिक में हमने क्या बताया कि कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या माइनस वन इक्वल टू कितना आया, तीन सिग्मा और दो पाई अपने मन से लिख लेते हैं और रिजल्ट दोनों क्या आता है, सेम। तो छोटी सी ट्रिक बताया, ऐसी ट्रिक्स आपको बताया, ठीक ना, जिसको आपको सिर्फ हाइड्रोकार्बन में ये पता करना है कि वह अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, जैसे ही आप ये पता करते हैं तुरंत आप क्या करेंगे, बता देंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की संख्या कितनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा।